दोस्तों, अगर आपने आज से पहले सिद्धाश्रम के विषय में कहीं भी कुछ सुना होगा तो आपको ये भी पता होगा कि सिद्धाश्रम कहाँ स्थित। पर मैं अगर आपसे कहूँ कि सिद्ध आश्रम के विषय में आपको जितना भी पता है कि उसकी स्थिति कहाँ है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपने मिथ्या सुन रखा है। सिद्धाश्रम को बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह तिब्बत में स्थित है, तो कोई मानता है कि सिद्धाश्रम हिमालय क्षेत्र में है, तो कोई मानता है कि चाइना के किसी भाग के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो में हम सिद्धाश्रम की बिल्कुल सटीक जानकारी कि सिद्धाश्रम एक है या अनेक है, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक दिव्य संत के आंखों देखे वर्णन का कि उन्होंने जब वो सिद्धाश्रम गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, एक एक वर्णन आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बने रहिए, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, ज्ञान वर्धक होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इससे पहले मेरे ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम शंभाला के विषय के वीडियो पर बहुत अधिक प्रेम जताया। एक वर्णन के अनुसार देखते हैं, एक राइटर है एसएन खंडेलवाल, जिन्होंने अपनी पुस्तक में गोपीनाथ कबीराज जी के वर्णन के अनुसार बताया है कि सिद्धाश्रम पृथ्वी पर किसी एक जगह स्थित नहीं है, बल्कि ये स्थान कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। तो आइए पुराणों के एक वर्णन से इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, जब दमयंती अपने पति को ढूंढते हुए एक वन में चली जाती हैं, तो वो देखती हैं कि यह अति सुंदर वन है, यहाँ पर एक झरना बह रहा है और वहीं पर उन्होंने कुछ सिद्ध संतों को भी देखा था। तभी एक संत दमयंती के समीप आते हैं और उसे सूचित करते हैं कि आपके पति अति शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप चिंतित ना हो और यहाँ से प्रस्थान करें। दमयंती वहाँ से प्रस्थान करने लगती है और अचानक पीछे मुड़कर देखती है तो वो दृश्य, वो वन इत्यादि और वो सिद्ध पुरुष सभी गायब हो चुके होते हैं। दमयंती चौंक जाती है कि सब कुछ कहाँ गायब हो गया, तो ये वन व संत इत्यादि सिद्ध आश्रम की ही एक झलक थे। यहाँ पर एक और घटना का जिक्र करते। एक बार एक संत केदारनाथ जी की यात्रा कर रहे थे, तभी वो गौरीकुंड को प्रस्थान करते हैं, तो उस क्षेत्र में उन्होंने एक आश्रम देखा जो कि अत्यंत ही अद्भुत व दिव्य आश्रम था। और बाद में उन्हें एक संत से ज्ञात होता है कि ये आश्रम कोई और नहीं बल्कि ज्ञानगंज ही है। इस बात को सुनकर सिद्ध संत ने काफी प्रयास किया ज्ञानगंज को दोबारा ढूंढने का, परंतु वो इसे दोबारा नहीं ढूंढ पाए। तो इस अनुसार गौरी कुंड के पास ही ज्ञानगंज होने के सबूत हैं, ऐसा वर्णन हमें इन संत के अनुसार प्राप्त होता है। वहीं कुछ अन्य संतों ने भी वाराणसी में सिद्धाश्रम होने का दावा किया। वहीं बिहार के गृद्धकूट पर्वत को काफी पवित्र स्थान माना जाता है, इस स्थान पर भी सिद्धाश्रम है ऐसा माना जाता है। गिरनार पर्वत पर बहुत से सिद्ध संत गुप्त रूप में निवास करते हैं, वहाँ पर भी एक सिद्धाश्रम होने का संकेत मिलता है। वहीं अरुणाचल के पर्वत पर भी सिद्धाश्रम होने के कई वर्णन मिलते रहते हैं। तो ये तो वर्णन हो गया सिद्धाश्रम के भिन्न भिन्न जगह उपस्थित होने की स्थितियों के बारे, पर सिद्ध आश्रम में प्रवेश कौन कर सकता है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सिद्ध संत जिस हृदय को प्राप्त करके आत्म तत्व में विलीन होकर अपनी सत्ता का विसर्जन कर देते हैं, तभी उनके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयेषे, अतः भौतिक हृदय में ईश्वर का वास संभव नहीं है। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त माना जाता है, परंतु कण कण में पाए जाने पर भी ईश्वर का विभाजन संभव नहीं है। ईश्वर के समान ही उसका निवास स्थान भी अखंड है। भगवद गीता में हृदय को अखंड तथा एक बताया गया है। शास्त्रों में हृदय के विषय में बतलाया गया है कि जहाँ से समस्त विषय निकलकर पुनः उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं, वही हृदय है। वही भौतिक हृदय से ना ही विषय निकलते हैं
और ना ही उसमें उनका विलीनीकरण हो पाता है। आदिवेद ऋग्वेद में एक वर्णन मिलता है जहां एक ऋषि ने इच्छा प्रकट की कि मैं उच्च कोटि की साधना पूर्ण करके अपने जीवन काल में सिद्धाश्रम पहुंच पाऊं और प्रकृति के उन रहस्यों से परिचित हो सकूं जो कि स्वयं में रहस्यमयी हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में भी सिद्धाश्रम के होने के संकेत मिलते। भगवान कृष्ण ने भी सिद्धाश्रम की बहुत प्रशंसा की थी। एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि मैं किस प्रकार सिद्धाश्रम पहुंच सकता हूं और वहां पर सिद्ध संतों व अपने पूर्वजों के दर्शन कर सकूं, जो अपने जीवन काल में ही घोर साधना इत्यादि से सशरीर सिद्धाश्रम को चले गए थे। बताया जाता है कि कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्गम स्थान है जो कि मीलों लंबा और चौड़ा भव्य रहस्यमयी प्रकृति निर्मित आश्रम यही सिद्धाश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी के आदेश से स्वयं विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से इस आश्रम की रचना की थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने इस आश्रम की भूमि को, प्रकृति को और वायुमंडल को स्वयं सजीव, सप्राण, सचेतना युक्त बनाया था तथा भगवान शिव ने इस स्थान को अजर व अमर बनाया है। तात्पर्य है कि इस आश्रम में निवास करने वाले योगियों व दिव्य आत्माओं को वृद्धावस्था की प्राप्ति नहीं होती, वे चिर नवीन व चिर सौंदर्य युवा बने रहते हैं तथा अमरता का वरदान मिले होने से इस आश्रम में मृत्यु की काली छाया नहीं पड़ती तथा किसी की भी मृत्यु नहीं होती। इसी कारण इस आश्रम को देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है। जिन ऋषि ने सिद्धाश्रम जाकर वहां पर वहां के रहस्यों से परिचित होने की अपनी इच्छा प्रकट की थी तो इस आश्रम में पहुंचकर उन्हें किन किन अलौकिक व दिव्य रहस्यों की अनुभूति हुई, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। आश्रम का मुख्य द्वार बड़ा ही अलौकिक है। इस संपूर्ण क्षेत्र को आकाश मार्ग द्वारा या वायुयानों द्वारा या फिर आधुनिक यंत्रों के कैमरों के माध्यम से भी देखा नहीं जा सकता और ना ही इस स्थल की फोटो ही ली जा सकती, क्योंकि ये स्थान एक आध्यात्मिक ज्ञान स्थल है। यहाँ की ऊर्जाएं अलौकिक व साधारण जन की पहुँच से परे हैं। इन साधनाओं के आगे विज्ञान भी कुछ नहीं है। इस सिद्धाश्रम की विशेषताओं की बात करें तो वे शब्दों के वर्णन से रहित है। एक बार वशिष्ठ जी ने कहा था कि यदि मैं अपने जीवन के संपूर्ण ज्ञान से भी इस सिद्धाश्रम के सौंदर्य का वर्णन लेखनी के माध्यम से भी करना चाहूं, तो ये असंभव जैसा कार्य है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर प्रकृति अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। इस आश्रम में ज्ञान व आध्यात्म का मूल प्रकाश फैला हुआ होता है, तभी तो यहाँ निवास करने वाली दिव्य आत्माएं सदैव आनंद से परिपूर्ण रहती हैं। सिद्धाश्रम की विशेषताओं में एक विशुद्धानंद जी के बाल्यकाल की घटना का वर्णन मिलता है जो इस बात को सिद्ध करता है कि सिद्ध आश्रम कितना ज्यादा अलौकिक व रहस्यमयी है। एक बार विशुद्धानंद जी के बाल्यकाल में उनके पैर का अंगूठा कट गया था, परंतु जब उन्होंने ज्ञानगंज व सिद्धाश्रम की यात्रा की थी और वो वापस आए थे तो उनका अंगूठा बिल्कुल सही सलामत पहले जैसा हो चुका था। उन सिद्ध संत ने इस आश्रम के विस्तार की जो बात करी है तो वो सहस्त्रों मील लंबा व सहस्त्रों मील चौड़ा है। यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी ही होती है और ना अत्यंत सर्दी, बल्कि एक आनंददायी मौसम बना रहता है। इस स्थान पर ना ही तेज धूप होती है और ना ही रात की कालिमा, बल्कि एक आनंददायी प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। इस सिद्धाश्रम के मुख्य द्वार से थोड़ा अंदर प्रवेश करने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात स्वर्ग में प्रवेश पा लिया हो। बाईं ओर विशाल और निरंतर गतिशील झील बहती है जिसका जल
क्षीर सागर के समान स्वच्छ शुद्ध व श्वेत है। इस जल की विशेषता है कि इसमें स्नान करने से लौकिक जगत के सभी रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति पूर्णतः रोग मुक्त हो जाता है। व्यक्ति की वृद्धावस्था युवावस्था में बदल जाती है। व्यक्ति के केश श्वेत से काले हो जाते हैं। शरीर की झुर्रियां व दुख के चिन्ह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पहुंचकर नेत्रों का प्रकाश और तेज हो जाता है और नेत्र स्वस्थ हो जाते हैं। यदि शरीर में कोई अपूर्णता हो तो सदा ही समाप्त होकर स्वस्थ व सुंदर काया हो जाती है। इसी को कायाकल्प प्रक्रिया कहा जाता है। इस सिद्ध योग झील के किनारे स्फटिक की पारदर्शी नौकाएं लगी हुई रहती हैं। इस नौका में बैठकर सिद्ध योगी व दिव्य आत्माएं सिद्ध योग झील में आनंद पूर्वक विहार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिद्ध योग झील के किनारे पर युवा से दिखने वाले सन्यासी योग ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इस सिद्ध योग झील में दिव्य योगनियां स्नान करती देखी जाती हैं। यहीं पर कुछ सन्यासी व सन्यासनियां शास्त्रों की चर्चा करते भी देखे जा सकते हैं। इस झील के दूसरे किनारे पर देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। इन वृक्षों के नीचे गहन छाया दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अत्यंत सुंदर पंक्तिबद्ध देवता गढ़ खड़े हुए हों। पूरे संसार में जितनी भी फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उससे भी अधिक पुष्पों की प्रजातियां यहाँ सिद्धाश्रम में उपस्थित उद्यान में लगी हुई हैं, जिनमें से भिन्न भिन्न प्रकार की मादक सुगंध आ रही। थोड़ा आगे बढ़ने पर ये संत देखते हैं कि वहाँ पर सुंदर सुंदर हरी हरी घास के मैदान हैं और एक से एक सुंदर आश्रम जहाँ तहाँ बने हुए हैं। ऐसे आश्रमों का वर्णन पुराणों इत्यादि में भी मिलता है। इन आश्रमों में उच्च कोटि के साधु अपने अपने शिष्यों को प्रकृति व ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद करा रहे हैं। यहाँ पर एक अत्यंत गहन विषय व गूढ़ चर्चाएं चल रही हैं। शिष्यों के मुख पर पूर्ण शांति व संतुष्टि के भाव साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर यज्ञ वेदियों में यज्ञ कार्य संपन्न किया जा रहा है। पूरा वातावरण यज्ञ की सामग्रियों से युक्त है। वैदिक मंत्रोच्चारण भी हो रहे हैं। थोड़ा ही आगे स्फटिक से बने हुए भव्य सुंदर महल जैसे स्थल हैं। इन भवनों में ग्रस्त साधक अपनी अपनी साधनाओं में मग्न हैं। इस पूर्ण स्थल पर कोई भी रोक टोक छल कपट काम वासना ईर्ष्या प्रपंच पाखंड अहंकार इत्यादि का नामो निशान तक नहीं है। यह आश्रम पूर्णतया नियमों से सुव्यवस्थित व अनुशासन से परिपूर्ण है। इस आश्रम के प्रमुख संचालकों में महाअवतार बाबा जी व हजारों वर्षों की आयु प्राप्त स्वामी सचिदानंद जी हैं। इनके दर्शन करना अति दुर्लभ है। देवताओं को भी इनके दर्शन शुभाशीष होते हैं। इन ऋषि ने ये भी बताया कि इस आश्रम में प्रवेश के अपने नियम व कानून है। यहाँ पर कोई भी योगी सन्यासी या गृहस्थ अपनी स्व इच्छा से कदापि प्रवेश नहीं पा सकता, जब तक कि सिद्धाश्रम के संचालकों द्वारा उनका बुलावा न भेजा जाए। साधक को पहले अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेना अनिवार्य होता है। ब्रह्म चेतना की अनुभूति व कुंडलिनी जागरण के पश्चात समस्त चक्रों के भेदन करने होते हैं। इस आश्रम की सहभागिता पाना इतना सरल नहीं है। तभी तो अभी तक 1000 वर्षों से भी ज्यादा हो चुका है, मात्र केवल 3 ही शिष्य यहाँ के संचालक द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि सिद्ध आश्रम में प्रवेश पाने की प्रक्रिया काफी कठिन है, जिसे हर कोई उत्तीर्ण नहीं कर सकता। वास्तव में सिद्ध आश्रम के विषय में एक एक जानकारी मिलने व एकत्रित करने तक मुझे ऐसा लगने लगा था मानो कि मैं सिद्ध आश्रम की यात्रा पर निकल गई हूँ।
तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी कभी इस प्रकार के धार्मिक जगहों जैसे श्री केदारनाथ या गौरी कुंड या अन्य गिरनार पर्वत इत्यादि पर के आसपास कभी जाना हो और यहाँ पर आपको कोई सिद्ध संत योगी इत्यादि मिले और जो भी जानकारी आपको दे, तो वो काफी हद तक प्रामाणिक ही मानी जाएगी। आप अपने हर एक अनुभव को आत्मसात करते जाना, हो सकता है कि आपकी दिव्यताएं भी आपको सिद्धाश्रम की ओर ले जाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करना, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे पिन करूंगी। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।